हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो मंडल कमीशन वीवी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ। सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलाने वाला रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं S.M. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ओवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ओवीसी का फुल फॉर्म होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। SAIL क्यों प्रसिद्ध है? तो SAIL स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला ये जयपुर में लगता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सातवां है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट। स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की राजधानी कहते हैं इलायची को। ये मसलो नहीं होगा, ये मसालो होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये किसका सूचक है? तो ये पुल का सूचक है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो मुइद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। ये कहा होगा, ये खा नहीं होगा। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग में। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्टो विंडो की आकृति भूमिगत जल से बनी है। खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल है मक्का। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं? तो एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ के। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से।
कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी ये दक्षिण में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जनजाति सहेली जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है, तो गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को आय होती है। खुदाई और खिदमतगार की स्थापना किसने की, तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल खार गफार ने। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है, तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयाग हो गया है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, तो भारत की समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर। मेगस्थनीस किसका राजदूत था, तो मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था। कथकली किस राज्य का नृत्य, तो कथकली ये केरल राज्य का नृत्य है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन क्षिप्रा की नदी के किनारे बसा है। दल बदल कानून कब पारित हुआ, तो दल बदल कानून 1985 ईस्वी में पारित हुआ है। तो दोस्तों ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।